बहुत बहुत स्वागत है। वक्त तो चला है कुछ अहम खबरों पर नजर डालने का। फरीदाबाद में विपुल गोयल के समर्थन में नामांकन रैली, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इस रैली में मौजूद रहेंगे। विप्लव देव समेत बीजेपी के कई नेता इस दौरान शिरकत करेंगे। बड़ी जानकारी तमाम दर्शकों को दे रहे हैं। फरीदाबाद में नामांकन दाखिल करेंगे विपुल गोयल, और बीजेपी ने विपुल गोयल को फरीदाबाद से प्रत्याशी बनाया है। तो बीजेपी ने विपुल गोयल को फरीदाबाद से प्रत्याशी बनाया है। फरीदाबाद में विपुल गोयल के समर्थन में नामांकन रैली, किसी भी तरीके तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं, खबर से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। घमंड में किसी तरीके के तो विप्लव देव समेत बीजेपी के कई नेता इस दौरान शिरकत करने वाले हैं। बड़ी जानकारी, फरीदाबाद से प्रत्याशी बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने विपुल गोयल को। 5 अक्टूबर तक सब लोग घर घर जाकर लोगों को मनाकर और लोगों को इस पूरी की पूरी जो ये इलेक्शन प्रक्रिया है इसमें जोड़ने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का मैं धन्यवाद करता हूं। 2014 में भी मुझे, और आपको ये भी बता दें कि फरीदाबाद में नामांकन दाखिल करेंगे विपुल गोयल, और जनता का भी काफी ज्यादा अच्छा रिस्पांस जो है वो यहां पर मिलता हुआ नजर आया। तो विपुल गोयल के समर्थन में नामांकन रैली है फरीदाबाद में, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और कुछ तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। देखिए बीजेपी के कई नेता इस दौरान शिरकत करने वाले हैं, और विशेष संवाददाता रवि कालीरबन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए और नजर बनाए हुए फरीदाबाद से लाइव। रवि देखिए, फरीदाबाद में विपुल गोयल के समर्थन में ये नामांकन रैली है, और ये बताइए सबसे पहले कि इस रैली में कितने लोग जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। अभी फिलहाल कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं रवि? रवि आपको आवाज मिल पा रही है? और चलिए रवि से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, संपर्क साधने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अब देखिए कार्यक्रम की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, नामांकन रैली, और देखिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इस रैली में मौजूद रहेंगे। जिस स्थान पर ये रैली होने वाली है उसकी तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं। विपुल गोयल के समर्थन में ये नामांकन रैली है, इस दौरान कई नेता जो हैं वो मौजूद रहने वाले हैं। तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इस रैली में मौजूद रहेंगे। बता दें आपको कि विपुल गोयल के समर्थन में ये नामांकन रैली है, फरीदाबाद से लगातार हम तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। तो फरीदाबाद में नामांकन दाखिल करेंगे विपुल गोयल, और विपुल गोयल को फरीदाबाद से प्रत्याशी बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो चुनावों को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक्टिव नजर आ रही है, और इसी संदर्भ में अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं, और ऐसे में आप देखिए जिस तरह से यह नामांकन रैली और साथ ही साथ तस्वीरें भी लगातार साझा कर रहे हैं। फरीदाबाद में विपुल गोयल के समर्थन में ये नामांकन रैली है। रवि हमारे विशेष संवाददाता लगातार बने हुए हैं। रवि फिलहाल कैसी तस्वीरें, और ये भी बताइए कि नामांकन रैली है, जनता का कितना समर्थन आज मिलने वाला है? बिल्कुल देखिए, विपुल गोयल को भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर मौका बताया है, और इस बार कहीं ना कहीं मैदान में नजर आएंगे। विपुल गोयल स्वागत करने के लिए जा रहे हैं, जो तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर। अगर बात की जाए तो पिछली देर बाद विधि से शुरुआत की जाएगी। एक बार भरोसा तो फरीदाबाद में देखिए विपुल गोयल के समर्थन में ये नामांकन रैली, और हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन भी लगातार जानकारी दे रहे हैं, और ये फरीदाबाद से आप लाइव तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। देखिए जनता का जो समर्थन है वो लगातार मिलता हुआ भी आपको नजर आ रहा होगा, और इससे अगर यहां पर देखा जाए तो जो तस्वीरें हम साझा कर रहे हैं, कुछ ही देर में ये जो कार्यक्रम है वो शुरू भी होने वाला है, क्योंकि इस कार्यक्रम में कई नेता शिरकत करने वाले हैं। तो इस कार्यक्रम पर भी हमारी नजर बनी रहेगी, पल पल की अपडेट आपको हम देते रहेंगे।